और कहता है कि जी ये कबूतर है, ये केक आया है। फिर हम लोग पीछे पहुंचे हैं, उसकी बहनों पे बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, ये गोरी चिट्टी हैं, हमारा काम चलता रहेगा, इसको गिरफ्तार किए रखो। टर्न पॉइंट की एक और वीडियो में खुश आमदीद। लाहौर का 14 साला अरसलान जो कि पुलिस तशद्दुद का निशाना बना, मासूम अरसलान को पुलिस ने घर से उठाकर 9 मई के वाकये में फिट कर दिया। ये बच्चा 3 महीने जेल में गुजारता है, उसके बाद इसकी जमानत होती है तो पुलिस एक मरतबा फिर इसको गिरफ्तार करने इनके घर पहुँच जाती है। जमानत पर आए अरसलान को दोबारा गिरफ्तार करने पुलिस आती है तो घर वाले मजामत करते हैं। इसी असना में उसके वालिद को अटैक हो जाता है जो कि पहले ही दिल का मरीज था और वो दुनिया से रुखसत हो जाता है। सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि अरसलान और उसकी फैमिली को उसके वालिद की तदफीन से दूर रखा जाता है और पुलिस दबाव डालती है कि जल्दी जल्दी इसे दफना दें। लेकिन जैसे ही वाकया सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुआ तो पुलिस की दौड़ें लग गई। इस दिल खराश वाकया के बाद अरसलान की वालदा ने सोशल मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, सुनिएगा। बेटा, मेरा बेटा जो था वो अकेडमी से पढ़ के आ रहा था, रास्ते में उसके फ्रेंड्स भी थे साथ, उन्होंने छोटी सी एक वीडियो बनाई है, वीडियो में मेरा बच्चा ऐड नहीं था, सिर्फ उनके पास सिर्फ ओनली जस्ट वीडियो थी, नहीं उन्होंने अपलोड नहीं की, इन्होंने उससे मोबाइल छीना और छीन के तो अहमद स्टार है जो उसने मेरे बेटे से मोबाइल छीना और उसको गिरफ्तार किया और उसको थाने में जाके मेरे बेटे के साथ तशद्दुद भी किया और उसको गंदी लैंग्वेज यूज की और गालियां दी और उसको बहुत सारे गंदे अल्फाज से उसको पुकारता भी रहा और कहता है कि जी ये कबूतर है, ये केक आया है। फिर हम लोग पीछे पहुंचे हैं, उसकी बहनों पे बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, ये गोरी चिट्टी हैं, हमारा काम चलता रहेगा, इसको गिरफ्तार किए रखो, इनको इसको ना छोड़ो, पता नहीं क्या क्या। और फिर ये मेरे घर लेके आया पुलिस और पुलिस ने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, हमें गाली गलौज की और बहनों के ऊपर भी बहुत सारे गंदे अल्फाज यूज़ किए, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड बुरी तरह खौफजदा हो गए, उनको अटैक आया, उन्होंने बहुत सोरियाँ की लेकिन इनको रहम ना आया, मेरे हस्बैंड दुनिया से रुखसत हो गए और मेरी छत उड़ गई। लेकिन मैं जैसे ही हॉस्पिटल लेके गई हूँ उनको, जब तक वो दम तोड़ चुके थे। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मियां असलम है जिन्होंने छापा मारा, जिन्होंने मेरे घर की तोड़फोड़ की, ताले तोड़े, मेरे अंदर घुस गए, मेरी छत तक इन्होंने पुलिस के सारी चेकिंग की है और मेरे सारे घर को इन्होंने तोड़फोड़। अहमद स्टार और मियां असलम हैं जो ये थाना गाला मार्केट से हैं और मेरे साथ भी इन्होंने बहुत गलत बातें। नाज़रीन, आपने अरसलान की वालदा की गुफ्तगू सुनी। ये वाकया सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरह से रिपोर्ट हो रहा है। इस वाकये में जो फैमिली का रद्द अमल है उसके बिल्कुल बरक्स पुलिस ने मौकफ इख्तियार किया है। इसी वाकये से मुतल्लक अरसलान के वकील इंतजार हुसैन ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी की है, जिसमे अरसलान के वकील ने बताया की सोशल मीडिया पर बहुत सारे मौकफ चल रहे हैं, जो असल मौकफ है वो ये है, सुनिएगा। अरसलान नसीम 14 साल का बच्चा जिसके बारे में आजकल सोशल मीडिया ट्रेंड बना हुआ है, इसकी जमानत एज वकील मैंने ही करवाई थी राणा इंतजार एडवोकेट। इस बारे में सोशल मीडिया में बहुत सारी गलत खबरें चल रही हैं, जिसके बारे में मैं आपको हकीकी जो है वो स्टोरी है वो बता देता हूँ। ये बहनें जो हैं, इसकी 5 बहनें हैं, वो इसको थाना गालिब मार्केट लेके गई कि ये घर तंग करता है तो इसको ज़रा थोड़ा डरा धमका दें, तो पुलिस ने उल्टा पकड़ के इसे जो है 9 मई के वाकयात में डाल दिया अपनी सिर्फ एफिशेंसी शो करने के लिए। उसके बाद रिमांड के दौरान इसकी बहनों को सेक्चुअली पुलिस हरास भी करती रही। उसके बाद इसकी जमानत होगी 1 महीना 20 दिन के बाद एंटी टेररिस्ट कोर्ट से 9 अगस्त को, तो 9 अगस्त की रात को पुलिस ने इसके घर पर रेड किया। इसकी वालदा और वालिद उनके पांव पड़ते रहे कि हमारे बेटे की जमानत होगी है तो अभी हमें तंग ना करें, बहुत गरीब लोग हैं, एक मरले का इनका घर है। उसके बाद अगले दिन फिर 10 अगस्त को रात 2 बजे इन्होंने घर रेड किया, इसकी बहनों को तंग करती रही पुलिस। उसके बाद 4 बजे फिर रेड किया गया, तीसरा रेड था और 4 पुलिस की जो व्हीकल्स गई हैं और इनके घर का तहस नहस मचा दिया और इसकी वालदा इन्हें कहती रही पुलिस को भी कि ये हार्ट पेशेंट है तो ये मर जाएगा। उसके बाद इसका वालिद जो है अरसलान का, वो हार्ट पेशेंट था, उसकी डेथ होगी हॉस्पिटल जाकर। इसके बाद अगले दिन जनाजा था, जनाजे के दौरान भी पुलिस वहाँ पर आई और अरसलान और उसकी बहनें जो है वो जनाजे में भी शिरकत ना कर सकी। पुलिस ने इतना ड्रामा धमकाया और जनाजा भी उन्होंने जल्दी करवा दिया और ये जुल्म यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। फैमिली अभी तक घर छोड़ कर डेथ के बावजूद मुख्तलिफ जगहों पर रह रही है और ये इसके हकीकी वाकयात थे। पुलिस इसमें 3-4 जो पुलिस पर इल्जाम, एक तो इसको गलत रोक किया गया इस मैटर में, बहनों को सेक्चुअली हरास किया गया और तीसरा सबसे बड़ा इशू कि बेल होने के बाद क्या जरूरत थी इसके घर पर रेड करने की। और इसके बाद पुलिस के हाई अप्स को इस सारे एपिसोड के दौरान, क्योंकि मैं केस भी प्रोबोनो कर रहा था, मैं बार बार इंटीमेट करता रहा कि ये मामला हो रहे हैं, मगर उसके पुलिस ने इस पर बिल्कुल कान नहीं धरे। और जब ये सोशल मीडिया ट्रेंड बना है तो उसके बाद पुलिस की तमाम एजेंसियां इसमें हरकत में आ गई हैं। ये बहुत हाई हैंडेडनेस है पुलिस के बिहाफ पे, ये तो ऐसे ही महसूस हो रहा था कि जैसे इसराइली पुलिस। बेटा, मेरा बेटा जो था वो एकेडमी से पढ़ के आ रहा था, रास्ते में
उसके फ्रेंड्स भी थे साथ, उन्होंने छोटी सी एक वीडियो बनाई है। वीडियो में मेरा बच्चा ऐड नहीं था, सिर्फ उनके पास सिर्फ ओनली जस्ट वीडियो थी, नहीं उन्होंने अपलोड नहीं की। इन्होंने उससे मोबाइल छीना और छीन के, तो मियाँ अहमद स्टार है जो, उसने मेरे बेटे से मोबाइल छीना और उसको गिरफ्तार किया और उसको थाने में जाके मेरे बेटे के साथ तशद्दुद भी किया और उसको गंदी लैंग्वेज यूज की और गालियां दी और उसको बहुत सारे गंदे अल्फाज से उसको पुकारता भी रहा और कहता है कि जी ये कबूतर है, ये केक आया है। फिर हम लोग पीछे पहुंचे हैं, उसकी बहनों पे बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, ये गोरी चिट्टी हैं, हमारा काम चलता रहेगा, इसको गिरफ्तार किए रखो, इनको इसको ना छोड़ो, पता नहीं क्या क्या। और फिर ये मेरे घर लेके आया पुलिस और पुलिस ने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, हमें गाली गलौज की और बहनों के ऊपर भी बहुत सारे गंदे अल्फाज यूज़ किए, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड बुरी तरह खौफजदा हो गए। उनको अटैक आया, उन्होंने बहुत सोरियाँ की लेकिन इनको रहम ना आया। मेरे हस्बैंड दुनिया से रुखसत हो गए और मेरी छत उड़ गई, लेकिन मैं जैसे ही हॉस्पिटल लेके गई हूँ उनको, जब तक वो दम तोड़ चुके थे। और मैं, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मियाँ असलम है जिन्होंने छापा मारा, जिन्होंने मेरे घर की तोड़फोड़ की, ताले तोड़े, मेरे अंदर घुस गए, मेरी छत तक इन्होंने पुलिस के सारी चेकिंग की है और मेरे सारे घर को इन्होंने तोड़ फोड़। अहमद स्टार और मियाँ असलम है जो, ये थाना गाला मार्केट से हैं और मेरे साथ भी इन्होंने बहुत गलत बातें। अरसलान नसीम 14 साल का बच्चा जिसके बारे में आजकल सोशल मीडिया ट्रेंड बना हुआ है, इसकी जमानत एज वकील मैंने ही करवाई थी राणा इंतजार एडवोकेट। इस बारे में सोशल मीडिया में बहुत सारी गलत खबरें चल रही हैं, जिसके बारे में मैं आपको हकीकी जो है वो स्टोरी है वो बता देता हूँ। ये बहनें जो हैं, इसकी 5 बहनें हैं, वो इसको थाना गालिब मार्केट लेके गई कि ये घर तंग करता है तो इसको जरा थोड़ा डरा धमका दें, तो पुलिस ने उल्टा पकड़ के इसे जो है 9 मई के वाकयात में डाल दिया अपनी सिर्फ एफिशिएंसी शो करने के लिए। उसके बाद रिमांड के दौरान इसकी बहनों को सेक्चुअली पुलिस हरास भी करती रही। उसके बाद इसकी जमानत होगी 1 महीना 20 दिन के बाद एंटी टेररिस्ट कोर्ट से 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त की रात को पुलिस ने इसके घर फिर रेड किया, इसकी वालदा और वालिद उनके पांव पड़ते रहे कि हमारे बेटे की जमानत हो गई है तो अभी हमें तंग ना करें, बहुत गरीब लोग हैं, एक मरले का इनका घर है। उसके बाद अगले दिन फिर 10 अगस्त को रात 2 बजे इन्होंने घर रेड किया, इसकी बहनों को तंग करती रही पुलिस। उसके बाद 4 बजे फिर रेड किया, यह तीसरा रेड था और 4 पुलिस की जो व्हीकल्स गई हैं और इनके घर का तहस नहस मचा दिया और इसकी वालदा इन्हें कहती रही पुलिस को भी कि ये हार्ट पेशेंट है तो ये मर जाएगा। उसके बाद इसका वालिद जो है अरसलान का, वो हार्ट पेशेंट था, उसकी डेथ होगी हॉस्पिटल जाकर। इसके बाद अगले दिन जनाजा था, जनाजे के दौरान भी पुलिस वहां पर आई और अरसलान और उसकी बहनें जो है वो जनाजे में भी शिरकत ना कर सकी। पुलिस ने इतना ड्रामा धमकाया और जनाजा भी उन्होंने जल्दी करवा दिया और ये जुल्म यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। फैमिली अभी तक घर छोड़कर डेथ के बावजूद मुख्तलिफ जगहों पर रह रही है। 14 साल अरसलान के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड तो चल गया, अब देखना यह है कि कितना अमल होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।